हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। आलू पनीर कोफ्ते भी बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मलाई कोफ्ता बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं। और इसमें मलाई का दो बार यूज़ करूंगी, स्टफिंग में भी करूंगी, प्लस ग्रेवी में भी मैं मलाई का यूज़ करूंगी। तो चलिए मैं आपको इसकी सामग्री बताती हूँ। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे। मलाई कोफ्ते के लिए पहले कोफ्ते की मैं आपको सामग्री बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलू लेकर उनको उबाल कर उनको अच्छे से मैश कर लिया है। 1 चम्मच पिसी मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 हरी मिर्च कट करी है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर पनीर, थोड़ी सी मलाई और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और किशमिश को मैंने कट कर लिया है। 1 छोटा टुकड़ा पनीर का लिया है और 1 चम्मच मलाई ली है। और कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी घोल कर कोट तैयार कर लिया है। और ऑयल लगेगा हमको फ्राई करने के लिए। तो चलिए पहले हम हमारे कोफ्ते तैयार करते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने स्टफिंग के लिए लिया है पनीर, मलाई, पनीर मलाई और ड्राई फ्रूट्स, ये हम जो हमारे कोफ्ते बनाएंगे उसके अंदर स्टफिंग में भरेंगे। ये हम इसको एक साथ मिला के तैयार कर लेते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, मलाई, पनीर और ड्राई फ्रूट्स की मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। अब हमारा आलू का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। जो बॉयल और मैश्ड आलू हैं, इनमें हम लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये भी हम डाल देंगे। पनीर का मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं स्टफिंग में पनीर यूज़ करूँगी, तो जो पनीर वाले कोफ्ते बनते हैं उनका भी टच आएगा इसमें। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। मलाई कोफ्ते सभी को बहुत पसंद किए जाते हैं। घर में आपके छोटा मोटा फंक्शन हो, पार्टी हो, तो आप ये बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के अंदर भी मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हमारे कोफ्ते हम तैयार करेंगे। कोफ्ते आप जिस भी साइज़ के पसंद करते हैं, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। अब जो स्टफिंग तैयार करिए, ये हम इसमें डालेंगे। मलाई का मैं ग्रेवी में भी यूज़ करूँगी और प्लस इसके अंदर भी। देखा, जैसे आपने पनीर लिया है, मलाई ली, मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं कोफ्ते। अब इसको हम बंद कर देंगे और फिर से इसको ऐसे रोल कर देंगे। इस तरह से हमारे हम बाकी के बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। जब हम स्लरी में इसको डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम से कोट करेंगे, फिर तेल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है पैन में और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए हमारे कोफ्ते बनाते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते को लेके मैदे की स्लरी में ऐसे डिप करेंगे अच्छे से, और फिर इसमें भी हमको अच्छे से कोट करना है। अब इसको हम तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा भी बना लेते हैं। वैसे आप बनाए तो पहले एक बना के देख लें कि हमारा कोफ्ता फट तो नहीं रहा है, फिर दूसरा डालें। हमारे सारे कोफ्ते हम इसी तरह से डाल लेंगे, पहले स्लरी के अंदर और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर डालना है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखी है, इनको बहुत स्मूथली फ्राई करना है। अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, कोफ्ते हमारे हम निकाल लेते हैं, फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। कोफ्ते हमने बना लिए हैं, अब हमारी हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या सामग्री ली है। दो बड़े प्याज लिए, इनको कट कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, उसके बीज निकाल के उसको भी कट कर लिया है। एक अदरक का टुकड़ा है, इसको छील कर धो लिया है। तीन यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं और सात लहसुन की कलियाँ ली हैं और दो बड़े टमाटर, इनको भी हम कट करेंगे और इन सबको हमको साथ में पीसना है। यहाँ पर मैंने आधा बाउल दही लिया है और आधा ही बाउल मैंने मलाई ली है। मलाई मैंने कोफ्ते के अंदर भी डाली है, यहाँ भी यूज़ करूँगी ग्रेवी में, प्लस जब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे उसमें भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही मलाई कोफ्ता है। ये कसूरी मेथी है 1/4 चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। इसमें जो हमको मसाले लगेंगे, जीरा, नमक, हल्दी, मिर्च और पिसा धनिया, ये सब हम 1-1 चम्मच लेंगे। और ऑयल लगेगा हमको थोड़ा बनाने के लिए, 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया, 1 से 1.5 चम्मच। तो चलिए हमारी ग्रेवी हम तैयार करते हैं। देखिए टमाटर भी मैंने कट कर लिया है। अब लहसुन प्याज आलू, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च और काजू, इनका हम एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च टमाटर और काजू का मैंने पेस्ट बना लिया और इधर मैंने पैन में तेल भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे, साथ ही पेस्ट डालेंगे। इस मसाले को हम अच्छे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है। मसाला हमारा सिक चुका है, अब इसमें हम मसाले डालते हैं। हल्दी, पिसी मिर्च, पिसा धनिया और नमक। थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब इसी में हमारी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इसमें डालते हैं हमारा दही और मलाई। ये डालकर हमको अच्छे से चलाना है ताकि हमारी ग्रेवी फटे नहीं। आप मलाई की जगह क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई कोफ्ते हैं तो इसमें मलाई का यूज होना चाहिए। इस तरह से हम चलाते जाएंगे जब तक कि थोड़ा सा उबाल नहीं आ जाए इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दही भी अच्छे से सिक चुका है, मलाई और दही। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से देखिए आपको कितनी चाहिए, उस हिसाब से फिर थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा वो डालते हैं दूध। ये मलाई कोफ्ते की हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मलाई दही इसमें सभी का यूज़ हुआ है, साथ ही दूध, तो रिचनेस काफ़ी बढ़ गई है इसकी। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ ही हरा धनिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। हमारी गैस ऑफ कर देते हैं। जो हमारी ग्रेवी है हम कोफ्तों के ऊपर डालेंगे। तो हमारी जो ग्रेवी हम कोफ्ते पे डालते हैं, आपको जब भी खाना हो तो आप गरम गरम ग्रेवी कोफ्ते पे डाल के खाइए। ये देखिए,
बहुत ही अच्छे बने हमारे मलाई कोफ्ते, मलाईदार हैं एकदम। सारी ग्रेवी मैं इस पर डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम इस पर हरा धनिया डालेंगे, साथ ही थोड़ी सी मलाई डालेंगे इसमें, गार्निश करेंगे। इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनी है, थिक। जब भी आपको खाना हो तो आप कोफ्ता अलग रखिए और ग्रेवी गरम गरम उस पर डाल के खाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मलाई कोफ्ता रेडी है, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।